आज फिर बढ़े 11 नए मामले। गोंदिया शहर में 9 पॉजिटिव केसेस तथा सड़क अर्जुनी 2 पॉजिटिव केसेस पाए गए। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो कुल 21 एक्टिव कोरोना बाधित पर कोविड सेंटर में उपचार जारी। शहर के कुंभारे नगर सहित 9 नए कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है। जहां देश भर में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं गोंदिया शहर में बाकी शहरों के मुताबिक हालात बेहद काबू में थे, मगर लगातार 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक और गोंदिया जिले में जिस तरह मरीजों का ठीक होने का सिलसिला बढ़ रहा था, उस पर से यह लग रहा था कि कुछ ही दिनों में गोंदिया फिर कोरोना मुक्त हो जाएगा, मगर हालात कुछ ऐसे हो रहे मानो ऐसा लग रहा है कि संकट अभी टला नहीं। इस संक्रमण के चलते जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज गोंदिया में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अब कुल बाधितों की संख्या 122 हो गई है। गौर हो कि विगत 24 जून को किडनी की बीमारी के चलते गोंदिया तालुका के मुंडीपार औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत एक व्यक्ति की इलाज हेतु नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस व्यक्ति का किडनी इलाज के दौरान कोविड-19 टेस्ट भी किया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट 25 जून को कोरोना से संक्रमित पाई गई। 26 जून को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस कोरोना पॉजिटिव मामले को देखते हुए उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों के स्वैब नमूने गोंदिया प्रयोगशाला हेतु भेजे गए, जहां कोरोना से 28 जून को 6 लोग पॉजिटिव आए थे। आज 29 जून को उसी मामले में अन्य 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह बाहर से गोंदिया के सड़क अर्जुनी तहसील आए 2 व्यक्तियों की स्वैब रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिससे अब सक्रिय बाधितों का आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है। गोंदिया तालुका अंतर्गत जिन 9 लोगों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे सभी कुंभारे नगर, पार्टीबान, डोंगरगांव, सेजगांव और मुंडी पार के बताए गए हैं। इनके अलावा 2 व्यक्ति सड़क अर्जुनी तालुका के हैं। विशेष है कि जिले में कोरोना से संक्रमित मिले 102 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले में पिछले 18 जून से लगातार 6 दिन तक ब्रेक लगा रहा, परंतु 24 जून को फिर 2 व्यक्तियों के कोरोना से बाधित होने की पुष्टि हुई। वहीं एक व्यक्ति के किडनी की बीमारी के चलते वह कोरोना बाधित मिलने पर नागपुर के उपचार के दौरान 26 जून को मृत्यु हो गई। 27 जून को मुंबई से आए एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 28 जून को कुल 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज 29 जून को फिर 11 मामले सामने आने से सक्रिय बाधितों की संख्या 21 हो गई। जिले में सालेकसा तहसील के पूर्व में ब्राह्मणी कंटेनमेंट जोन के साथ 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए, जिसमें गोंदिया तालुके के मुंडीपार, फतेहपुर, डोंगरगांव, फेजगांव, पार्टीबान, कुंभारे नगर, सालेकसा तालुका के बामनी, पाथरी, पाउलदौना एवं तिरोड़ा का सुभाष वार्ड का समावेश है। विशेष है कि 12 जून के पूर्व सभी 69 मरीज कोरोना मुक्त होकर घर लौट गए थे। इसके बाद 21 व 22 जून को 3 मरीज, 24 जून को 14 मरीज, 25 जून को 14 एवं 26 जून को 2 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। होम सॉल्यूशन के तहत इन सभी को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन कर चिकित्सक परामर्श पर रखा गया था। अब तक 2813 लोगों के स्वैब नमूने लेकर जांच की जा चुकी है एवं 184 लोगों की रिपोर्ट आना प्रतीक्षा में, ऐसा जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर श्याम निमगढ़े द्वारा दी गई है। ब्यूरो विदर्भ सम्राट।